आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई द्वारा पर्याप्त समय देने के बावजूद मुंबई मनपा प्रशासन द्वारा मुंबई की गड्ढों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। सभी को ज्ञात है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई द्वारा मुंबई में चल रही गड्ढों की समस्या एवं गड्ढों को भरने के नाम पर हुए भ्रष्टाचार के विरुद्ध गड्ढा भरो आंदोलन 2 अक्टूबर को किया गया था। इस आंदोलन के बाद उन्होंने मनपा आयुक्त से मुलाकात की मांग भी की थी। मनपा आयुक्त ने कार्यकर्ताओं को मुलाकात के लिए समय नहीं दिया था। प्रशासन के इस रवैये से परेशान होकर भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई अध्यक्ष तेजिंदर सिंह तिवाना की अगुवाई में शासन नहीं तो हम भरेंगे, मुंबई में गड्ढे नहीं चलेंगे, इस नारे के साथ युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने स्वयं अंबोली इलाके में गड्ढों को भरा। मीडिया से बात करते हुए श्री तिवाना ने क्या कुछ कहा। शिवसेना शासित बीएमसी ने पिछले 24 सालों में 21,000 करोड़ रुपए ये फूंक दिए, आज भी रास्तों के हालत खस्ता हाल है। सब जगह मुंबई के रास्तों पर खड्डे हैं। हमने मुंबई करों के जो कंप्लेंट्स है वो बीएमसी तक पहुंचा है। या कि मुंबई करों ने भी ट्विटर के माध्यम से बीएमसी को कई कंप्लेंट्स किए, लेकिन ना खड्डे भरे गए ना मुंबई के रास्ते ठीक किए गए। आज भी ये भ्रष्ट शिवसेना शासित बीएमसी सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के माध्यम से अपने पेट भर रहे और वसूली के काम में लगी हुई है। मुंबई के कोने कोनों में मास ना होने पर बीएमसी मार्शल बराबर पहुंच जाते हैं, लेकिन जब रास्ते की दुरुस्ती करने का, खड्डे भरने का जब सवाल उठता है, इसलिए आज हम भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई के युवा मुंबई करो के। मीडिया से बात करते हुए श्री तिवाना ने कहा कि शिवसेना शासित बीएमसी ने 24 साल में 21,000 करोड़ रुपए का बजट फूंक दिया है, लेकिन मुंबई में सड़कों की हालत अभी भी खराब है, सड़कों पर गड्ढे हैं। मुंबई से ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए रोहित जायसवाल की रिपोर्ट।